Assalamu alaikum student, welcome to online classes. Today is our 8th lecture of Know Your World class 3. Student, open your book page number 53. Today we will start content 4 of unit 5. Mention date and day. The topic is job opportunities. People want to earn a living. You too will have to choose the profession when you grow up. Bacho, लोग मुख्तलिफ काम करते हैं रोज़ी रोटी कमाने के लिए, अपनी अर्निंग के लिए मुख्तलिफ काम करते हैं, इनको जॉब्स कहा जाता है। और प्रोफेशन, आपको भी कोई ना कोई प्रोफेशन चूज़ करना पड़ेगा जब आप बड़े हो जाएंगे। इसलिए आज आपको इस टॉपिक में मुख्तलिफ जॉब्स के बारे में बताया जाएगा कि मुख्तलिफ लोग कौन सी जॉब्स करते हैं। पीपल हु वर्क मे बी डिवाइडेड इन टू द फॉलोइंग ग्रुप्स, उनको ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हैं प्रोफेशनल्स। These are the people with the higher education and training in a special field. They include nurses, doctors, teachers, lawyers and many more. Professionals में कौन लोग होते हैं? वो लोग जो higher education लेते हैं, अच्छा पढ़ते हैं और उसके बाद वो अपने respective profession में जो बनना चाहते हैं, for example अगर doctor बनना चाहते हैं, teacher बनना चाहते हैं, तो उसकी वो training भी लेते हैं, education के साथ वो training भी लेते हैं। और इनमें नर्सेज भी शामिल हैं, डॉक्टर्स भी हैं, जिसमें हायर एजुकेशन शामिल है। बच्चों, इनको, इन लोगों को क्या कहा जाता है? प्रोफेशनल्स कहा जाता है। द नेक्स्ट इज स्किल्ड वर्कर। दीज पीपल नीड टू बी ट्रेन टू डू देयर जॉब्स। दे ऑलवेज वर्क विद देयर हैंड्स एंड यूज टूल लाइक इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर्स, टेलर एंड प्लम्बर्स। वर्कर्स अपनी ट्रेनिंग करते हैं। इसमें एजुकेशन इतनी ज़रूरी नहीं है कि वो हायर एजुकेशन हो उनकी, लेकिन इसमें ट्रेनिंग मस्ट है। वो लोग इसकी ट्रेनिंग लेते हैं, जो भी वो काम करते हैं उन्हें स्किल्ड वर्कर्स कहा जाता है। इसमें कौन कौन शामिल है? इलेक्ट्रिशियंस, कारपेंटर्स, टेलर, प्लम्बर। और ये अपने हाथ से काम करते हैं। इसके अलावा ये वो इन टूल्स को यूज़ करना सीखते हैं कि कैसे ये टूल्स यूज़ करके वो अपना काम कर सकते हैं, इसकी वो स्पेशल ट्रेनिंग लेते हैं। टूल्स यूज्ड बाय सम स्किल्ड वर्कर्स। स्किल्ड वर्कर्स क्या यूज़ करते हैं? टूल यूज़ करते हैं और वो ट्रेनिंग लेते हैं अपनी जॉब्स की। उन्हें क्या कहा जाता है? स्किल्ड वर्कर्स। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ अनस्किल्ड वर्कर्स। अब बच्चों, अनस्किल्ड वर्कर वो होते हैं जिन्हें ट्रेनिंग की ज़रूरत भी नहीं होती, एजुकेशन, हायर एजुकेशन की भी ज़रूरत नहीं है और ख़ास किस्म की ट्रेनिंग की भी ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, लेबर्स हैं जो एक जगह से सामान दूसरी जगह उठाकर ले जाते हैं। इसके लिए इन्हें किसी ख़ास ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है कि किस तरह आपने उठाना है, किस तरह चीज़ें रखनी हैं। तो इसके अलावा वेटर्स हैं जो होटल्स में सर्व करते हैं। इसके अलावा डिश वॉशर हैं या क्लीनर्स हैं, सफाई करने वाले लोग, इनको क्या कहा गया है? स्किल्ड वर्कर्स। और इनको स्पेशल एजुकेशन या ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती। ये कोई भी काम मैनुअल वर्क काम कर सकते हैं। आम जो लोग काम कर लेते हैं उन्हें मैनुअल वर्क कहा जाता है और ये अनस्किल्ड वर्कर कहलाते हैं। स्टूडेंट्स, इस पेज पर आपने पढ़ा प्रोफेशनल जिनमें एजुकेशन के साथ साथ ट्रेनिंग की भी ज़रूरत है, स्किल्ड वर्कर को सिर्फ ट्रेनिंग की ज़रूरत है, अनस्किल्ड वर्कर को ना स्पेशल एजुकेशन की ज़रूरत है और ना ही ट्रेनिंग की। स्टूडेंट, ओपन योर बुक पेज नंबर 54। टेक्नीशियंस। दीज आर द पीपल हु आर कनेक्टेड विद द प्रैक्टिकल यूज ऑफ मशीन्स एंड कीप दैम इन द गुड रनिंग ऑर्डर। अच्छा बच्चों, जो कोई भी मशीन वगैरह ठीक करते हैं और उसका प्रैक्टिकल यूज़ जानते हैं कि ये कैसे चल सकती है या ये ख़राब हो गई है तो कैसे ठीक हो जाएगी, तो वो लोगों कहलाते हैं, टेक्नीशियन कहलाते हैं। एक कार ठीक करने वाला बंदा जो मैकेनिक है वो भी टेक्नीशियन ही है। क्यों? क्योंकि कार एक मशीन है और ये मशीन का प्रैक्टिकल यूज़ जानता है और इसको, इसकी रनिंग जो ऑर्डर है वो भी ठीक कर सकता है, उसको गुड कंडीशन में रख सकता है, तो ये क्या कहलाएगा? टेक्नीशियन। अलावा बच्चों, एयरक्राफ्ट टेक्नीशियंस भी होते हैं। लेबॉर्ट्रीज़ में जो लेबॉर्ट्री में भी टेक्नीशियन है, एक्सरे मशीन को जो ऑपरेट करते हैं वो भी टेक्नीशियंस ही हैं। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर वर्कर्स। वो कौन से वर्कर्स होते हैं? वो लोग जो फार्म्स में काम करते हैं और क्रॉप्स ग्रो करवाते हैं, इसके अलावा उन्होंने एनिमल्स भी रखे होते हैं, उनको पालते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? एग्रीकल्चर वर्कर्स कहलाते हैं। एग्रीकल्चर वर्कर्स कहलाते हैं। वीट क्रॉप ग्रोन बाय एग्रीकल्चर वर्कर्स
एग्रीकल्चर वर्कर रेज एनिमल्स टू, इसके अलावा वो एनिमल्स भी रखते हैं, उनको भी पालते हैं। नेक्स्ट है पब्लिक सर्वेंट। बच्चों पब्लिक सर्वेंट कौन होते हैं? वो लोग जो लोगों की खिदमत करते हैं, लोगों के काम करते हैं कम्युनिटी में, हॉस्पिटल्स के अंदर, पोस्ट ऑफिस में, स्कूल्स में, ये मुख्तलिफ काम करते हैं। और ये किसके अंडर काम कर रहे हैं? गवर्नमेंट के अंदर। दीज पीपल वर्क फॉर द गवर्नमेंट। कौन? पब्लिक सर्वेंट वो लोग हैं जो किसके लिए काम करते हैं? गवर्नमेंट के लिए। और इनको कौन पे करता है? इनको पे भी गवर्नमेंट ही करती है, इनको सैलरी गवर्नमेंट देती है। और इनका काम क्या करना है? इनका काम है सपोर्ट द कम्युनिटी, कम्युनिटी में मुख्तलिफ काम करना। और ये कहाँ कहाँ काम करते हैं? हॉस्पिटल्स में, पोस्ट ऑफिस में, स्कूल्स में, बैंक्स में, रेलवेज में, एयर फाइटिंग डिपार्टमेंट्स में। इज वॉलंटियर्स। वॉलंटियर्स वो लोग होते हैं जो बग़ैर सैलरी के काम करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, उनके मुख्तलिफ काम करते हैं, लेकिन वो इस चीज़ के पैसे नहीं लेते, विदाउट सैलरी काम करते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? वॉलंटियर्स। क्या कहा जाता है? वॉलंटियर्स। सम पीपल चूज टू वर्क विदाउट अ सैलरी फॉर द गुड ऑफ कम्युनिटी। कम्युनिटी को, माहौल को, अपने किसी भी माशरे को बेहतर बनाने के लिए वो लोगों के काम करते हैं। कुछ भी काम करें तो वो बग़ैर सैलरी के काम करें, वो क्या कहलाते हैं? वॉलंटियर्स कहलाते हैं। इसमें कुछ टीचर्स भी हो सकते हैं, जैसे वो टीचिंग करते हैं, बच्चों को पढ़ाएं, अपने माहौल को, अपने कम्युनिटी को बेहतर बनाएं, पढ़ा लिखा माहौल बनाएं, और उसके लिए वो कोई चार्जेस भी ना लें, सैलरी भी ना लें, तो वो क्या कहलाएंगे? वॉलंटियर्स। इसके अलावा कहीं आग वगैरह लग जाए बिल्डिंग में और वो उसको बुझाने का काम करें और उसकी सैलरी ना लें, तो वो भी वॉलंटियर्स हैं। इसी तरह और लोगों का ख्याल रखें, ये सारे काम जो वो बग़ैर सैलरी के करेंगे दूसरों के लिए, कम्युनिटी के लिए, तो वो क्या कहलाएंगे बच्चों? वॉलंटियर्स कहलाएंगे। स्टूडेंट इस पेज पर आपने टेक्नीशियंस, एग्रीकल्चर वर्कर्स और पब्लिक सर्वेंट और लास्ट पे वॉलंटियर्स के बारे में पढ़ा है। ये सारी जॉब्स इम्पॉर्टेंट हैं, क्यों? क्योंकि ये कम्युनिटी को बेहतर बनाने के लिए की जाती हैं और इससे लोग अपनी अर्निंग करते हैं और अपना लाइफस्टाइल बेहतर बनाते हैं। बच्चों ये सारी जॉब्स इंपॉर्टेंट हैं, ये नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियरिंग का प्रोफेशन ही अच्छा है। सारी जॉब्स इंपॉर्टेंट हैं, क्यों? ऑल जॉब्स आर इम्पोर्टेंट, ऑल जॉब्स आर इम्पोर्टेंट बिकॉज ऑल वर्कर्स कंट्रीब्यूट वन वे आर अनदर टूवर्ड द बेटरमेंट ऑफ द कम्युनिटी। क्योंकि ये सब हो या कम्युनिटी जहाँ पे हम रहते हैं, हमारे इर्द गिर्द को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये सारे ही लोग हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, इन सब का काम हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट पेज नंबर 53 और 54 की रीडिंग करें ध्यान से और अपना ख्याल रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।